नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्र हेमंत पांडे ने पढ़ाई के साथ छोटी उम्र में वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक किताब लिखी है, जिसका देर शाम रामनगर के ढिकुली क्षेत्र के एक निजी रिजॉर्ट में भव्य तरीके से विमोचन हुआ। आपको बता दें, हेमंत ने जो किताब लिखी है उसका टाइटल द टेल ऑफ एक्सप्लोरर्स स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी विद टाइम है। ये पुस्तक पूरे विश्व पर आधारित है। इसमें कुल 133 पेज हैं और इस किताब को लिखने में हेमंत को 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा। मीडिया से बात करते हुए हेमंत पांडे ने बताया कि जब उसने इसको लिखना शुरू किया तो उस समय केवल अपनी जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन के तौर पर वो इसको लिख रहे थे और लिखते लिखते इसने एक किताब का रूप ले लिया। बता दें, हेमंत पांडे के द्वारा लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुँचे प्रोफेसर डॉक्टर DS बिस्ट ने इस उपलब्धि पर हेमंत को बधाई देने के साथ ही कहा कि आज बच्चे पढ़ने लिखने से दूर जा रहे हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों से कहा कि वो अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ सकें। सब था किताब लिखने का, और कहां से आपको प्रेरणा मिली, थोड़ा बताएं। स्टार्टिंग में जब मैं किताब लिखना मैंने शुरू किया था, तब मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं इसको किताब के फॉर्म में नहीं, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रखूं, कि अगर मैं बाई चांस अगर भूल गया तो मैं अब इसको कंप्यूटर से वापस देख के मैं इसको याद कर सकता हूँ। मतलब एक तरीके का ऐसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना था फ्यूचर के लिए। अब लेकिन जब मैं लिखता गया तो मैंने कई 100 पेजों की किताब लिख ली, वो एक टाइप का आर्टिकल हो गया। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे कहा था कि अगर तुम लिख ही रहे हो इसे तो इसे क्यों ना अच्छे फॉर्म में लिखो, इसे बुक फॉर्म में लिखो तो इसे हम छपा भी लेंगे। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, फिर मैंने इस पर और मेहनत की। फिर जब मेरी विंटर की छुट्टियां पड़ी तब मुझे एक चांस मिला कि मैं इसे बहुत लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था उस समय। तो मैं एक एक दिन में कई पेजे लिखने लग गया, कई जगहों से मैं और इन्फॉर्मेशन देखने लग गया। तो फिर ऐसे आगे चलते चलते ये किताब और बढ़ते गई, इसमें और चीज़ें मैं ऐड करते गया। फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें और अगर इसको प्लेन ना रख के इसमें थोड़ी पिक्चर्स ये सब भी डाल देता हूँ। किस चीज़ पर आप ये किताब, मैंने पूरी जो इंसानों की तो पूरा इतिहास है, मतलब कहाँ से हम शुरू हुए, क्या क्या हमने चैलेंजेस फेस किए, हमने उन चैलेंजेस से क्या सीखा, हमने क्या क्या नई चीज़ें करी, वो सब इस किताब में है और एक सिंपल भाषा में है जो सबको समझ में आए। कितने पेज की है और कितने समय लगा? ये किताब कम से कम 133 पेज की है, 133 पेजेस की है, और किताब लिखने में मुझे कम से कम 6 से 7 महीने लग गए थे। फिर मैं सोचा कि इसमें टाइटल सोचने में बहुत टाइम लगा, फिर कई सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करनी थी, उनको रेफरेंसेस भी देने थे, लेकिन फिर जब पता चला रेफरेंसेस क्या होते हैं तो फिर मुझे ये लगा कि ये तो मैंने सब अपने माइंड से लिखा है, ये तो सब मैंने अपनी मेमोरीज से देखा है, तो फिर ऐसे रेफरेंसेस मिले नहीं। और फिर मैं लिखता चला गया, मैंने कई चीज़ें ऐड करी। किताब का नाम है द टेल ऑफ द एक्सप्लोरर्स अ स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी विद द टाइम। आज हेमंत पांडे बालक ने एक किताब लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री पर पूरी जानकारी। जी हाँ, तो आगे बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि आजकल हम लोग या हमारे जो बच्चे हैं वे सारा काम अपना व्हाट्सएप या जो गूगल है उससे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर किताब लिखी जाती है तो उसके लिए पहले मैटर इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद उसकी रफ ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसका टाइपिंग स्टेज आता है और उसके बाद तब उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है बच्चे के द्वारा, एक किसी 13 साल के बच्चे के द्वारा जो कक्षा 9 में पढ़ता है उसके द्वारा यह प्रयास तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है। और जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, नेक्स्ट जनरेशन, देखिए आजकल का समय वो है कि हम बच्चों से भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि नहीं बच्चे से नहीं, बच्चा हमसे ज़्यादा जानता है। कई चीज़ें ऐसा है कि जैसे मोबाइल चलाना है, कंप्यूटर है, ये चीज़ें हम उतना नहीं जानते हैं, हम बिल्कुल काम चलाओ करते हैं, लेकिन वे इसमें सब एक्सपर्ट हैं। तो मैं मानता हूँ, मेरा अपनी सोच है कि एक अध्यापक होने के नाते मेरी सोच है कि लिखना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, और ये जो काम क्या है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने पूरी जो एक मनुष्य प्रजाति की जो आदि से अभी तक, आदि मतलब प्रारंभ से लेके अब तक जो उन्होंने इसके बारे में लिखा है,
वह बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। रामनगर के रहने वाले एक 13 वर्षीय छात्र जो कि कक्षा 8 में पढ़ते हैं हेमंत पांडे ने एक इतिहास रच दिया है, तो अपने शहर का और उत्तराखंड का नाम देश में रोशन कर दिया। आपको बता दें कि हेमंत पांडे नाम का ये छात्र ने 13 साल की उम्र में एक किताब 133 पन्नों की किताब लिखकर आज उसका विमोचन किया गया। तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और हेमंत की इस जो उपलब्धि है उसको लेकर उसके पिता और माता के साथ ही रिश्तेदारों में भी काफ़ी उत्साह है। हेमंत के पिता प्रभाकर डॉक्टर प्रभाकर पांडे जो कि रामनगर के प्रसिद्ध MP हिंदू इंटर कॉलेज में मनोविज्ञान के अध्यापक हैं और लगातार बच्चों को भी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। छात्र हेमंत पांडे ने बताया कि 133 पेज की जो ये किताब लिखी गई है उसने करीब 6 से 7 महीने में इस किताब को लिखा है। परिवार का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि इसमें इंसान की जहाँ से शुरुआत होती है वो दिनचर्या कि इसमें उल्लेख किया है और जो चैलेंजेस इंसान को आए उसका उल्लेख इसमें किया है। इसके अलावा अन्य जानकारियाँ भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो उस किताब के माध्यम से उसने अपनी कला से उकेरा और निश्चित तौर पर जो है ये किताब आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगी। और उसने युवाओं से भी अपील की कि जिस प्रकार आज युवा नशे की प्रवृत्ति में पड़ता जा रहा है तो उससे दूर रहें और अपना ज्ञान बौद्धिक विकास बढ़ाएं। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जब ये किताब बाज़ार में उतरेगी और स्कूलों में जाएगी तो निश्चित तौर पर बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा और इस किताब को जो जानकारियाँ दी गई हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों की बुनियाद में एक मील का पत्थर भी साबित होंगी। तो वहीं इस बालक के हेमंत पांडे के पिता प्रभाकर पांडे ने भी अपने पुत्र की इस उपलब्धि पर जो है सभी का आभार व्यक्त करने का निश्चित तौर पर आज जो उनके पुत्र ने किताब लिखी है उसमें परिवार के साथ ही उनके सहयोगी और मित्रों का भी विशेष योगदान रहा है। सलाह रही है कि घर में जो भी उनके मित्र आते थे वो कोई ना कोई जानकारी इस बच्चों को देते थे और उस जानकारी को लेकर बच्चे उसको चीज़ को उकेर कर उसको उस हेमंत ने उनको उस चीज़ों को जो उसको ज्ञान मिला उसको उस किताब में उकेरने का प्रयास किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। जय। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।